पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में पेश करती है और फिल्म, खासतौर पर फिल्म जो होती है वो माशरे का आईना होती है। फिल्म घुटी हुई इंसानियत को तफरीह मुहैया करने के साथ साथ एजुकेट भी करती है, तो फिल्म की बड़ी अहमियत है। लेकिन अफसोस है, ये हमारा अलमिया है कि फिल्म इंडस्ट्री आज गैर फाल है। अच्छा अकील अब्बास जाफर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपने तो माशाल्लाह फिल्म में PhD किया हुआ है, डॉक्टर ऑफ फिल्म हम आपको कह सकते हैं। जिस तरह से अभी मुसवा भाई ने कहा, और ये हकीकत है, हम देखते हैं कि गुजरा हुआ वक्त जो है वो आने वाले वक्त से हमें हमेशा बेहतर लगता है। लेकिन मौजूदा दौर में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो आप कह लें कि सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, उसको अगर हम देखें तो हमें लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाना चाहिए था। तो क्या वजह है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री उस तरह अपना नाम नहीं बना पा रही दुनिया में, जिस तरह से आज के दौर में उसके लिए मुमकिन होता है इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए? भाई, इस सिलसिले का आगाज़ जो है ना, ये पाकिस्तान की फिल्मी सनत के मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बैठे हुए हैं और मुनव्वर सईद साहब मौजूद हैं। तो आप 70 की दहाई तक समझिए कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो तरक्की कर रही थी और बहुत अच्छी फिल्में हमारे बन रही थी, और उसी को हमारे यहाँ का सुनहरी दौर या गोल्डन एरा कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री का। उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी पॉलिसियाँ आईं हुकूमत की तरफ से कि रजिस्ट्रेशन कराया जाए हर फिल्म साज का, हिदायतकार का, और सेंसरशिप के कुछ कवानीन बहुत सख्त हुए। और उसके बावजूद कुछ ऐसी फिल्में बनती रहीं हमारे यहाँ कि जिसकी वजह से वो फिल्म बीनों का जो एक देखने का ट्रेंड था वो तब्दील हो गया, और वो एक ख़ास किस्म की फिल्में पसंद की जाने लगी। और जो हमारे यहाँ सोशल फिल्में बनती थी, रोमांटिक फिल्में बनती थी, वो उनका तनासब बनिस्बत ग्रेजुअली कम हो गया। और जो आर्ट फिल्में हमारे यहाँ बन सकती थी 60 की दहाई में, ख़ास तौर से अशफाक अहमद साहब ने कोशिश की, अहमद बशीर ने नीला पर्वत बनाई, और कई लोगों ने, हमीद अख्तर ने फिल्म बनाई, तो वो फिल्में हमारे यहाँ नहीं चली। और उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, रायल पार्क माफिया। तो ये रायल पार्क जो है, ये ज़ाहिर कराची के लोग शायद ना जानते हों, ये लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री की जो तकसीम कार इदारे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे हैं, वो उसका मरकज़ है वो रायल पार्क। तो वहाँ से वो फिल्म अच्छी जब बनती थी, कोई आर्ट मूवी बनती थी, तो उसको नुमाइश के लिए डेट्स नहीं मिलती थी, और या मिलती थी तो ऐसी डेट्स मिलती थी जिसके एक हफ्ते के बाद, दो हफ्ते के बाद कोई त्यौहार आना है, ईद आ गई, बकरीद आ गई, तो वो दो हफ्ते के बाद वो फिल्म उतर जाती थी। और तासुर ये होता था कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ कराची में धमाका फिल्म जब लगी है 1974 में, तो उसके दो हफ्ते के बाद ईद उल अज़हा का त्यौहार आ गया, वो फिल्म उतार दी गई, क्योंकि ईद उल अज़हा पे ज़ाहिर है ईद की फिल्में आती हैं, ईद उल फितर पे भी। तो वो तासुर ये है आज तक कि वो धमाका फिल्म जो है वो नाकाम फिल्म थी, हालांकि वो नाकाम फिल्म नहीं थी, उसको नुमाइश का मौका ही नहीं मिला। तो हमारे यहाँ अच्छा, जबकि हिंदुस्तान में आप देखें, दो बीघा ज़मीन से शुरू करें आप सिलसिला, मदर इंडिया है, बलराज सहनी की फिल्में हैं, गर्म हवा है, लिखने वाले भी उसमें शानदार, मतलब गर्म हवा की स्टोरी जो थी वो असमत चुगताई ने लिखी थी, और इसी तरह से उसमें अदाकारी जो थी वो बलराज सहनी की। और फिर बाद में जो न्यू वेव फिल्में आई हमारे यहाँ 70 की दहाई में या 80 की दहाई में, नसीरुद्दीन शाह हैं, ओम पुरी हैं, शबाना आज़मी, समीता पाटिल, और या इरफान खान तक वो सिलसिला, अभी अहमद नवाज सद्दीकी हैं। तो ये फिल्मों का वहाँ पर पैरेलल सिनेमा का एक रवाज रहा, और पैरेलल सिनेमा जो है मुस्तकिल, यानी एक बहुत मज़बूत उनका हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत अहम पहलू है वो। और पाकिस्तान में लेकिन इस तरह की फिल्मों को मौका ही नहीं मिला कि वो अपने कदम जमा सकती, तो ये हुआ जवाल का सबब। अब ये कि 2006-07 के बाद कराची से खुदा के लिए, बोल, नामालूम अफराद, और इस तरह की बेशुमार फिल्में, लाल कबूतर तक बनती रहीं फिल्में, अच्छी फिल्में बनी, और वो उससे फिल्म बीन वापस आए, मतलब आपको लग रहा है हम बेहतरी की तरफ वापस, हाँ, उससे फिल्म बीन को वापस आने का, फैमिलीज ने आके फिल्में देखना शुरू की, और ये एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ रिवाइवल है, अहिया है फिल्म इंडस्ट्री का, और इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यही वक्त है कि जब हमें
उस तरह की जो पुरानी फिल्में हमारे यहाँ बनती थी जिसमें ना कोई स्टोरी होती, सिर्फ गंडासा होता था, और माजरत के साथ लेकिन ये कि उनसे हमारा फिल्म भी जो था, और ये जो घरेलू खवातीन थी या जो फैमिलीज जाती थी सिनेमा देखने के लिए, वो सिनेमा घरों से दूर हो गई, वो अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म के ऊपर नहीं बल्कि ड्रामों पे भी बात करेंगे। परीजात किस किस ने देखा था? तो परीजात के जो तख्लीकार हैं, जिन्होंने परीजात लिखा है, हाशिम नदीम साहब, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मैं सबसे पहले, तो क्योंकि हम मशाहिर के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारी सेलिब्रिटीज ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन जब आपने लिखना शुरू किया तो किसकी इंस्पिरेशन थी आपको कि मतलब जिनको आप देखते थे ये लुक फॉरवर्ड, और क्या आइडिया आया कि आप इस तरफ आएँ और इस तरह के ड्रामे लिखें जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी अगर आप कहें तो चैनल्स के अंदर कम है, लोगों में तो शायद है, चैनल्स में थोड़ी कम है। प्रेशन तो मैंने कल भी बताया था एक सेशन में, यहाँ पे शकील आदिलज़ादा साहब थे, मेरा ताल्लुक एक छोटे इलाके से है बलूचिस्तान के, उस गांव का नाम मस्तुंग है, तो जितना छोटा इलाका होता है आई थिंक उस बच्चे का तखय्युल उतना बड़ा होता जाता, क्योंकि उसके पास एक्सेस कम होता है लोगों के लिए। तो इंस्पिरेशन कहानियाँ थी जो बचपन में पढ़ी छुप के अब्बा से अम्मा से, डाइजेस्ट पढ़ा, और शकील आदिलज़ादा साहब को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कहानी बयान करने वाला कोई बहुत ऊंचे कद का आदमी होता जो अपने साथ रुलाता है, हंसाता है, साथ लेके चलता है, बारिश करवा देता है, बर्फ़ करवा देता है, ट्रेनें चला देता है, तांगे दौड़ा देता है, और शाम करवा देता है, जैसी शाम मुझे चाहिए होती है वैसी शाम होती है, उसके कलर वैसे होते हैं, वो लिखता है वैसी ही शाम मेरे अंदर उतरती है। तो इंस्पिरेशन बहुत सी हैं, बहुत सी कहानियां हैं, वो जो हम जाके एक रुपए की लाइब्रेरी से एक दिन के लिए एक कहानी लेके आते थे और रातों रात ख़त्म करके उसे ठीक उसी टाइम पर दिन में जाके देना होता था, बहुत सी इंस्पिरेशन हैं, वो कहानियाँ जमा होती गई और फिर मेरे अंदर एक कहानी बुनती गई और परिजात तक पहुंची। जैसे शेक्सपियर ने कहा, कल गाजी सलाउद्दीन साहब ने ये बताया हमें, मेरी नॉलेज में नहीं था, कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो यस, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं और आगे बढ़ूंगी और बात करूंगी अख्तर वक़ार अजीम साहब आपसे। इस वक्त आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आप PTV के MD रहे और अब हम TV जो है वो देख रहे हैं, तो जो लोग हमारे यहाँ पहले गुजरे, जिस तरह का काम हमने उनका देखा, आज ही मैं एक सेशन में थी तो वहाँ पर मुझे बता रही थी कि वो डॉक्टर बनी क्योंकि उनके वालिद को ये डॉक्टर बनाने का ख्याल उन्हें इसलिए आया और वो इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हुआ कि उन्होंने धूप किनारे ड्रामा देखा मरीना खान का। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी कि हम ड्रामों से इंस्पिरेशन लेके अपनी हकीकी ज़िंदगी में उनको शामिल करते थे। अब हमें ऐसी इंस्पिरेशन क्यों ड्रामों में नज़र नहीं आती, क्या वजह है इसकी? क्योंकि आपने PTV का दौर तो देखा ही, जाहिर सी बात है वो डेवलप किया, लेकिन अब आप प्राइवेट चैनल का भी दौर देखें, तो वो कंपैरिजन थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे और थोड़ी सी वजूहात भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि अब वो इंस्पिरेशन हमें आम पब्लिक नहीं देखती उस तरफ। पहली और बुनियादी बात तो मेरे ख्याल में यह है कि जब मैंने काम शुरू किया तो 4-5 साल हो चुके थे इस मुल्क में टेलीविज़न को आए हुए, और एक सेंस ऑफ ओनरशिप थी उसके मुलाज़मीन में भी और जो उस चैनल के लिए काम करते थे, मुनव्वर सईद साहब वगैरह जैसे थे, मुलाजमत कोई और करते थे, TV पे काम आ करते थे, लेकिन एक सेंस ऑफ ओनरशिप थी, ओन करते थे सारे कुछ। उससे मैं आपको दिखाऊँ, और उसी के हिसाब से सबकी तरबियत भी हो जाती थी, और सिर्फ ड्रामे की हद नहीं, आम जिंदगी में भी उसके असरात बहुत सारे होते थे। मैं एक आपको वाक़या सुना देता हूँ, उसको लतीफ़ा समझ के ना सुनिएगा, ठीक है? एक दफ़ा सैलाब आया हुआ था तो मैं और मेरे उस्ताद थे मुसलुद्दीन साहब, न्यूज़ में काम करते थे, हम उसकी कवरेज पे गए तो पानी में एक बूढ़ी सी खातून बहती हुई चली आ रही थी, एक लकड़ी के तख्ते पे बैठी हुई किनारे की तरफ आ रही थी, हमने उसकी रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग के बाद मसले साहब मुझसे कहने लगे इनका इंटरव्यू करना चाहिए। मैं
मैं कह रहा हूँ मुतासर कैसे होते थे लोग, तो गई जब उनसे तो मैंने कहा टेलीविजन के लिए आपका इंटरव्यू छोटा सा रिकॉर्ड कर लें अम्मा कर लें, उन्होंने कहा हाँ बेटा कर लो। उन्होंने अपने बाल शाल सही किए, बाल जब सही कर चुके तो मैंने फिर अपने मामूल के मुताबिक सवाल किया कि पंजाबी में बात कर रही थी कि अम्मा की कहोगे, मैंने कहा सब अच्छा ही कहना ना, पी टी वी है कहती भी आ रही हैं वहाँ से, तो मुतासर आम जिंदगी में भी लोग होते थे। दूसरा उस जमाने ये नहीं है कि आजकल काम अच्छा नहीं हो रहा, आजकल भी अच्छा हो रहा है, अभी आपने एक की मिसाल भी दी, लेकिन दूसरा ये था कि जितना भी काम होता था लोग जो थे, एक ही चैनल था उस ज़माने में, हर टैलेंटेड आदमी आजमाने के लिए अपने टैलेंट को पीटीवी की तरफ खुद आ जाता था, और कुछ वो लोग थे जो जाते थे तलाश करने के लिए टैलेंट को। मुनव्वर सईद साहब को अगर टैलेंट तलाश करके ना लाया जाता तो इंजीनियरिंग में कहीं काम कर रहे होते आखिर तक, इंजीनियर के इंजीनियर रहते इस साइड में ना आते, लेकिन उनको कोई ढूंढ के लाया था। एक मिसाल देता हूँ कि शुरू के दिन थे लाहौर में जब टीवी शुरू हुआ, तो असलम अज़हर साहब इंचार्ज थे उसके, ये लोग ढूंढने जाते थे टैलेंट को, तो एक दिन दाता साहब पे गए और वहाँ पे कवाली हो रही थी, कवाली हो रही थी, तो एक बंदे को उन्होंने उसमें से उठा लिया जो आवाज़ ज़्यादा लगा रहा था, और उसको पास बुला के कहा कि टीवी मुल्क में आया है तो तुम्हें आपको हम वहाँ ले जाना चाहते हैं। साहब ने कहा कि मैं कवाल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो दाता साहब आया हुआ था, ये कवाल पार्टी हो रही थी, मैं गाने का शौकीन हूँ तो मैं इनके साथ शामिल हो गया। नाम पूछा तो उसने कहा तुफैल मेरा नाम है, तो उन्होंने कहा तुफैल के कोई आगे पीछे, तो उन्होंने कहा मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, तुफैल मुल्तानी। तो असलम साहब ने कहा मुल्तान के और लोग भी बहुत हैं, तो आपको अपने वालिद का नाम बताओ, वालिद का उन्होंने नाम बताया, वो कुछ मुनासिब नहीं हो रहा था तक आके, तो खैर उनको कहा गया कि कल सुबह आप आइएगा, तो उन्होंने कहा मेरे एक उस्ताद हैं मजहबी बुज़ुर्ग हैं नियाज उनका नाम है, तो सुबह को उनको जब बुलाया गया तो जब वो आए तो समर साहब ने उनका नाम लिख के रखा हुआ था तुफैल नियाजी। टैलेंट जो है इस तरह से ढूंढा जाता था कि कवाल पार्टी से तुफैल नियाजी को निकाल के ले आए, और फिर तुफैल नियाजी आप माता फोक म्यूज़िक में बेशक, और कहाँ तक गए वो। हमें असलम साहब जब सिखाया करते थे तो पहले दिन ये हुआ कि मैं जब गया तो मेरे साथ दो लोग और थे, एक खातून थी वो कनेड कॉलेज लाहौर से पढ़ के आई हुई थी, अंग्रेज़ी अच्छी थी ज़माने में, एक वेस्टर्न म्यूज़िक का प्रोग्राम भी चला करता था मैरी मेकर्स के नाम। उन्होंने कहा ये तो कनेड कॉलेज से आई हैं, अंग्रेज़ी मीडियम वाली हैं, तो ये मैरी मेकर्स करेंगी। दूसरे मेरे और मुनव्वर सईद साहब के दोस्त थे रशीद उमर थानवी, ड्रामे के आदमी थे, तो असलम अज़हर साहब ने कहा इसका मुझे मालूम है कि क्या काम जानता है, वो मैं बता दूंगा इनको। मैं पहली दफ़ा टीवी में घुसा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैंने कहा कोई आसान सा काम दे दें। उन्होंने कहा आसान से मतलब, मैंने कहा कोई गेम शो दे दें, कुछ क्विज व्विज दे दें। तो उन्होंने मुझे, पहला दिन था और उस दिन उन्होंने मुझे सबक दिया, देखो कोई काम आसान नहीं होता, अपनी मेहनत से आसान बनाया, मुश्किल से मुश्किल काम होगा मेहनत करोगे तो आसान हो जाएगा। तो पहला सबक था जो हमें पहली दफ़ा मिलता था। दूसरा ये था जो बाद में प्राइवेट सेक्टर के चैनल आ गए, ख़त्म हो गया, हमें तनख्वाहें कम मिलती थी लेकिन नाम की शिनाख्त मिलती थी, और उसकी फ़िक्र भी होती थी कि प्रोग्राम करते वक्त आखिर में नाम चलता था, तो हमें ये फ़िक्र होती थी कि अच्छा प्रोग्राम ना किया, ख़राब प्रोग्राम किया तो कहीं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मुनव्वर सईद पकड़ के कहें यार तुमने क्या झक मारी, नाम की वजह से करते थे तनख्वाह की वजह से नहीं करते। अब मैं देखता हूँ प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उसमें नाम प्रोड्यूसर का गायब हो गया, तो अपनी उस तरह की शिनाख्त नहीं रही, अब तनख्वाह जो है वो आगे आ गई। तो ये थी, और उसमें असलम साहब का एक मैं एक बात और कर लूँ फिर मुनव्वर साहब, क्योंकि इसमें मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो बात करेंगे। असलम अज़हर साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा कि देखो हमारे साथ ये था कि हमें तजर्बा करने का मौका बहुत था जी, का ये एडवांटेज था कि हम भी इस फील्ड में नए थे और हमारा व्यूअर भी नया था, तो हमने गलतियां करके सीखा और हमारे व्यूअर को उस वक्त पता नहीं होती थी हमारी गलती, तो दोनों क्योंकि नए थे तो इस वजह से वो ठीक, मतलब बुनियादी तौर पे आप, हाँ तो ये तरीका था उसका जिसकी पॉपुलैरिटी की वजह। बुनियादी तौर से बात यह है कि शायद नौकरी और काम में फर्क आ गया है, पहले काम किया जाता था अब नौकरी की जा रही है। जी मुनव्वर भाई, मुनव्वर भाई से हमारी बहुत मोहब्बत है, और क्योंकि हम आर्ट्स काउंसिल में
होते हैं और मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप थोड़ा सा भी वक्त बिता लें तो कुछ ना कुछ सीख कर ही उठते हैं. तो मुनव्वर भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है आते जाते, जो ये बहुत ही शाइस्ता अंदाज में कोई ना कोई जुमला मार देते हैं और बहुत लुत्फ आता है. मुनव्वर भाई, आपने बहुत तवील अरसे अदाकारी की और आपका काम भी मतलब उसको देख के बहुत से लोगों ने सीखा है. आप चलते फिरते एक एकेडमी हैं एक आप. आप लोगों ने ड्रामों की या एक्टिंग की बाकायदा तरबियत हासिल नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद इतना बेहतरीन काम आपने किया. आजकल की जो एकेडमीज़ में हम लोग देखते हैं कि जब वो पढ़ के ट्रेनिंग करके आते हैं तो शायद उनको टेक्निकलिटीज़ का अंदाज़ा होता है, लेकिन उस दौर के अदाकारों में, आपके साथियों में और आज के दौर के अदाकारों में जो कि बाकायदा पढ़ कर आते हैं, आपको क्या बुनियादी फ़र्क महसूस होता है? देखिए, एक तो बहुत तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें कह दी कि जो मुझे भी नहीं पता थी कि मैं कोई बड़ा पता नहीं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ. अदाकारी के बारे में जो सवाल किया है तुमने कि वो कोई एकेडमी नहीं थी जो सिखाती, तो मैं बिल्कुल सच्चे दिल से ये बात कहता हूँ कि अदाकारी सिखाई नहीं जाती. अदाकार या तो अल्लाह की तरफ से होता है या नहीं होता. अब अगर आप किसी को ये चाहें कि ज़बरदस्ती अदाकार बना दें, ये नहीं होता. अदाकार के अंदर अदाकारी के जरासीम होने चाहिए, फिर वो पॉलिश करके तरक्की कर लेते हैं. मसलन सीधी सी मिसाल है कि कोई लकड़ी है, उस लकड़ी को आप कितना ही रगड़ लें, कितनी ही कोशिश कर लें, वो सोना नहीं बन सकती, वो लकड़ी ही रहेगी. लेकिन अगर सोना आपके हाथ आ जाए और आप उसे पॉलिश करके रगड़ के चमका के सामने रखें, तो यकीनन वो एक चमकदार चीज़ बन के सामने आ जाएगी. लिहाजा सोना होना ज़रूरी है, पीतल सोना नहीं बन सकता. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सिखाया नहीं जाता अदाकारी. अदाकारी या तो होती है या नहीं होती. खैर, बहरहाल इस पे काफ़ी लोगों को इतराज़ भी था. वो कहते थे नहीं, पढ़ी जाती है अदाकारी. मैं कहता था पढ़ी नहीं जाती. मसलन ज़िया मुहिद्दीन हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त और बड़े अजीम इंसान, वो उनसे मेरी हमेशा इस बात पे बहस होती थी कि अदाकारी पढ़ाई नहीं जाती. उन्होंने मुझसे कहा जब ये नापा बना कि तुम आओ और पढ़ाओ. मैंने कहा पढ़ाई तो जाती ही नहीं है. तो नहीं नहीं तुम आओ तो सही. मैं गया, मैंने जो मेरा तजर्बा था वो बच्चों के सामने बयान किया और बच्चियों के सामने, और मैंने उससे कहा कि आप इससे कोई अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा लें, इन कहानियों को अपने जहन में बिठा लें, और फिर आप में से जो अदाकार है और जिसके अंदर अदाकारी के जरासीम हैं, वो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा. और गए. अच्छा, एक और बात हमारी इस बच्ची ने कही है कि पहले जो अदाकार थे वो, और अब जो हमारे ये बच्चे बच्चियाँ अदाकार हैं, इनमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? तो भाई, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि मैं साफ कहूँगा कि ये जो बच्चे बच्चियाँ आजकल के हैं ना, ये हमसे ज़्यादा ज़हीन हैं. क्यों? इसलिए कि हम 8 दिन कम से कम रिहर्सल करते थे एक ड्रामे की, 8 दिन. उसके बाद वो ड्रामा फिर रिकॉर्ड होता था या ऑन एयर जाता था, तो वो काफ़ी लोग पसंद करते थे. ये PTV के ज़माने की बात कर रहा हूँ. और आज के दौर में इन बच्चों को वक्त ही नहीं होता कि ये रिहर्सल भी कर सकें या स्क्रिप्ट पहले से देख भी सकें. उसी वक्त बुलाया जाता है, वो आते हैं, सुबह को पहुँचे, क्या करना है तुम्हें, ये करना है, वो हाथ में दे दिया स्क्रिप्ट, उन्होंने देखा और उसी वक्त देखने के बाद उसको कंसीव किया और पोर्ट्रे कर दिया, परफॉर्म कर दिया. फिर भी अगर उसमें अच्छा कर दिया किसी ने तो वो बहुत ज़हीन है.
उसने बड़ी ज़हानत का इस्तेमाल किया। तो ऐसे बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं हमारे सामने कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बगैर रिहर्सलों के भी, और बड़ी मेहनत से और बड़े ज़हानत से वो परफॉर्म करते हैं, और वो हमें नज़र आता है कि क्या अच्छा कर रही है ये बच्ची, ये बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है, और हमेशा उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बहुत अच्छा काम सामने लाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे सामने आएंगे। दखदर माकूलात कर रहा हूँ। जी जी जी। मुनवाई से पूछना यह है कि एक ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न पर लाइव नशरियात होती थी, ड्रामा भी, अलिफ नून वगैरह, उस ज़माने में कोई आपने लाइव ड्रामा किया या जिसके अंदर कोई ऐसी बात हो गई हो कि जो बाद में बड़ी मजाक खेज सूरत हाल बनी हो, या आपने कभी मजा, आपने थिएटर भी बहुत किया है मुझे मालूम है, आज़ादी के मुजरिम मैंने आपका ड्रामा देखा खालिदीना हाल में, तो कोई ऐसी याद है आपकी वाबस्ता के जो आपसे गलती सरजद हो गई हो और आपने उसे संभाल लिया हो? मुझे ऐसा लग रहा है अकील भाई आपको कोई वाकया याद है और आप उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं कि ये बता दें जी लाइव ड्रामे में। नहीं, गलतियाँ तो भाई होती हैं, और गलतियाँ कर करके ही आदमी उसकी तसीह भी करता है, और तसीह करनी चाहिए। अगर गलतियाँ करे और उसी अंदाज़ा ही ना हो कि उससे गलती हो गई, तो फिर वो गलती कभी दूर नहीं होती। और थिएटर जो है, मैंने तो शुरू ही थिएटर से किया, यानी ये जो ये मेरा करियर है ये मैंने शुरू किया था थिएटर से। सबसे पहले मैंने थिएटर किया, उसके बाद रेडियो शुरू हो गया, उसके बाद फिर टीवी आ गया, टेलीविज़न किया, उसके बाद फिल्म। ये मेरा एक जो प्रोसेस है वो ये है, थिएटर, रेडियो, टीवी, फिल्म। तो थिएटर में जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि आप में जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाता है। जो तीन हमारे शोबे हैं, मसलन टीवी, मसलन रेडियो और फिल्म, इसमें रिटेक का मार्जिन होता है कि आपसे गलती हो गई, किसी ने आपसे कहा नहीं भाई ये तो गलत कर दिया आपने, चलो दोबारा कर लो। लेकिन थिएटर में रिटेक का मार्जिन कोई नहीं होता, जो आपने कर दिया, जो आपके मुंह से निकल गया वो 1000 कानों तक पहुंच गया और 2000 आंखों ने सुन लिया, देख लिया। तो उसमें बहुत जिम्मेदारी का काम होता है थिएटर पे, इसीलिए जो थिएटर के अदाकार हैं सारी दुनिया में वो बहुत जिम्मेदारी से काम करने वाले होते हैं। उनकी ट्रेनिंग ही ये होती है कि मुझे हर काम जिम्मेदारी से करना है, रिटेक का कोई मार्जिन नहीं है। और आई थिंक लाइव की खूबसूरती भी ये, वो एक तरह का लाइव ही होता है जो जा रहा होता है। मुस्तफा कुरैशी साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आना चाहूँगी, आपको, और अगर हम नाम लें सुल्तान राही साहब का, मरहूम का, तो अगर मैं ये कहूँ कि फिल्मी जुड़वा भाई थे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी मुस्तफ़ा कुरैशी का नाम आता है हमारी सोचों में सुल्तान राही साहब का अक्स आ जाता है, और जब भी हम सुल्तान राही साहब का नाम लेते हैं तो फ़ौरन से जो है वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब दिमाग में आ जाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि उस दौर में आप लोग फिल्मों में तो या बड़े पर्दे पे तो एक दूसरे के मुखालिफ नज़र आते थे, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में जब आप लोग साथ में बैठते थे सीन से पहले तो कितनी दोस्ती थी और क्या ताल्लुक था आपका उनसे? इब्तदा में जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मैं उर्दू फिल्में किया करता था, पंजाबी मेरी जबान नहीं थी न है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तमाम जबानें, बलोची हो, बरोवकी हो, पश्तो हो, सिंधी हो, उर्दू हो, सब हमारी अपनी जबानें हैं। तो मेरी पहली जोड़ी फिल्म में जो होती थी वो मोहम्मद अली के साथ थी, वो हीरो होते थे, मैं विलेन होता था। और हालांकि मोहम्मद अली और मैं, हम दोनों रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ही में ड्रामे हमने किए हैं, मैं सिंधी ड्रामे भी करता था, उर्दू भी करता था, मोहम्मद अली उर्दू ड्रामों में होता था, हमने हैदराबाद में स्टेज ड्रामे भी किए हैं। तो मोहम्मद अली जब फिल्म इंडस्ट्री में गया था तो उसके बाद कोई 10 साल के बाद मैं इंडस्ट्री में गया नहीं बल्कि ले जाया गया था, मेरा मोटो फिल्म एक्टर का नहीं था।
तो बाद में मुझे पंजाबी फिल्मों की ऑफर खैर होती रही, मैं कहता था कि भाई ये पंजाबी मेरी ज़बान नहीं है, तो आप मुझे लेकर अपनी फिल्म को ख़राब क्यों करना चाहते हैं। लेकिन एक फिल्म ऐसी थी, पहली पंजाबी फिल्म, उसका नाम था चार खून दे प्यासे। सबसे बड़ा प्यासा मैं था, दूसरा प्यासा मुनव्वर सईद था। उसमें वैसे तो माशरे में कई प्यासे हैं, और तो मैंने इनकार किया कि जी मेरी पंजाबी फिल्म नहीं है, आप मुझे क्यों। मुनव्वर सईद मेरे पास आया, कहता है कि यार मैं शुस्ता उर्दू बोलने वाले ख़ानदान में से हूँ, और मैं जब पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ तो आपकी तो मादरी ज़बान सिंधी है, तो सिंधी, पंजाबी, मुल्तानी, सरायकी, ये करीब करीब ज़बानें हैं, इनको बल्कि सिस्टर लैंग्वेजेस कहा जाता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बहरहाल इन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई, वो फिर पहली पंजाबी फिल्म चार खून दे प्यासे मैंने की थी, वो सुपरहिट हो गई। और यह इस फिल्म का ऐसा है कि जब कोई फिल्म हिट हो जाती है, कैरेक्टर हिट हो जाता है, तो फिर चल सो चल हो जाती है, फिर तो पंजाबी 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 फिल्में। फिर बाद में जाके मेरी सुल्तान राई साहब के साथ जोड़ी हुई, वो मुझसे सीनियर थे और उन्होंने कोई 850 के करीब फिल्में की थी। और अलबत्ता ये ज़रूर था, मौला जट से पहले मेरी दो फिल्में राई के साथ ही हिट हो चुकी थी, वो थी एक थी जेलर ते कैदी और दूसरी थी लाइसेंस। मौला जट ने तो वो ब्लॉकबस्टर हो गई, रिकॉर्ड कायम कर दिए, जिसकी भारत ने भी उसकी कई फिल्में बनाई मौला जट की। हालांकि मेरी पहली फिल्म जो थी लाखों में एक उर्दू, उसकी भी पायरेसी राज कपूर साहब ने भारत की फिल्म में बनाई थी हिना के नाम से। इस तरह हमारी कई फिल्में, वडेरा मेरी फिल्म थी, उसकी भी कॉपी भारत में बनी थी धर्म युद्ध के नाम से, मेरा कैरेक्टर सुनील दत्त ने किया था। इसी तरह और कई फिल्में हैं जो हमारी, हमने भी उनकी बनाई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं माफ़ी के साथ, हमारे बाज डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स मानते नहीं हैं, वो कहते होते थे कि मैं तो अंग्रेज़ी फिल्म से लिया था या अंग्रेज़ी नावल से मैंने कहानी ली थी। लेकिन वो लोग मानते हैं कि हाँ हमने आपकी फिल्म से ही लिया था, ये थोड़ा सा एक फ़र्क है। तो राही के साथ फिर कोई 25-26 साल जोड़ी रही है, और वो ज़माना ऐसा था कि एडवर्टाइजमेंट पर कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगते थे, जैसे आज जो मौला जट बनी है उस पर करोड़ों रुपए पब्लिसिटी पर लगाए गए हैं, और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उस पर सुना है कि 60 करोड़ की वो फिल्म बनी है, जबकि हमारी मौला जट जो बनी थी वो कोई 12-18 लाख में बनी थी। उस हमारी मौला जट में जो गंडासा था वो प्रोड्यूसर ने 150 रुपए का बनाया था, जो इस मौला जट में गंडासा बनाया वो लाखों रुपए का बना है। तो लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और वो बड़ी महंगी होती है, बल्कि मैंने ये भी सुना कि एक्शन करवाने के लिए हॉलीवुड से टीम बुलाई गई थी, जबकि हम मौला जट ही क्या, तमाम फिल्मों में हम खुद एक्शन करते थे। मैंने तो 20-20, 25-25 फिट से जंप भी लगाए हैं, घोड़े भी दौड़ाए हैं, गिरे भी हैं, गोडे गिट्टे निकले भी हैं, ये बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उसका सिला ज़रूर मिला है कि आप लोगों ने मुझे इज्जत दी है, मोहब्बत दी है, हौसला दिया है, आज भी मैं कायम हूँ, और इंशाल्लाह इस हिम्मत इस हौसले को मैं अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करता रहूँगा मरने दम तक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन हैं। हाशिम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मुझे बहुत परेशान करता है, कुछ दिनों पहले एक ड्रामे का स्क्रिप्ट मेरे पास आया, तो वहाँ पे, क्योंकि हम उर्दू कॉन्फ्रेंस पे बैठे हैं, तो क्या आप भी ड्रामे जो हैं वो रोमन जबान में लिखते हैं, क्योंकि अब काफ़ी सारे ड्रामे जो हैं वो रोमन जबान में उनके स्क्रिप्ट लिखे जाने लगे हैं। नहीं, मैं रोमन से पहले का हूँ, रोमन दौर बहुत बाद में आया। मैंने तख्तियाँ बहुत लिखी हैं अपने प्राइमरी स्कूल में। आशिम, थोड़ा सा ऊंचा बोलने की ज़रूरत है। मैं चूंकि तख्ती लिखने में बहुत ज़्यादा तेज़ था,
मेरी उर्दू की राइटिंग उस वक्त, अब भी मैं हाथ से ही लिखता हूँ, मुझे कंपोजिंग नहीं आती बेसिकली, उर्दू कंपोजिंग, तो मैं रोमन में नहीं लिखता, उर्दू में लिखता हूँ, हाथ से लिखता हूँ और वही स्क्रिप्ट फ्लोट करता हूँ, आगे कंपोज कर लेते हैं वो, तो रोमन दौर बाद में आया, मैं उससे पहले का हूँ। पर आजकल के बहुत से जो ड्रामे हैं, जो अदाकार हैं बहुत सारे, उनके लिए दुश्वार होता है, मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही, बहुत से लोगों के लिए दुश्वार होता है उर्दू पढ़ना, तो क्या ये मुश्किल आपने फेस की कि जो आपके अदाकार हैं उनको दुश्वारी हो रही हो उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ने में, उन्होंने कहा हो कि नहीं हमें रोमन में ट्रांसलेट करके दिया जाए? मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं कि किसी को दुश्वारी पेश आई हो मेरा स्क्रिप्ट पढ़ते हुए या उर्दू पढ़ते हुए, या एटलीस्ट मुझे डायरेक्टर ने कन्वे नहीं किया कि कोई ऐसी चीज़ हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो वाकई उर्दू नहीं पढ़ सकते, अभी हैं शोबिज में, और वो चूंकि अब आपका टैप्स पे और सेल्स पे रोमन चल रही है तो रोमन में उनको इजी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ज़ुबान का जो डिक्शन है वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। जब आप उसी ज़ुबान को किसी और लहजे में बयान करने की कोशिश करती हैं तो उसका एक्सप्रेशन मर जाता है। तो मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ जब मुझे कभी कोई डायरेक्टर बताता है कि हम इनके लिए रोमन में कंपोज करवा रहे हैं स्क्रिप्ट, कि वो उसकी थॉट को, उसके सेंटिमेंट को कैसे समझ पकड़ पाएगा आर्टिस्ट जो है, चाहे स्क्रीन प्ले जितना डिटेल में लिखा हो। तो मेरा ख्याल है कि इस प्रैक्टिस को ख़त्म होना चाहिए और जो ज़ुबान है उसी की डिक्शन में बात होनी चाहिए, उसकी फील जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, आप हमारे पास, क्योंकि वक्त ज़ाहिर सी बात है, इतने जब अजीम हस्तियां मौजूद होती हैं तो हमारे पास वक्त की हमेशा किल्लत हो जाती है, तो अगर आप लोगों के कोई सवाल आते हैं तो वो तैयार रखें, थोड़ी देर में माइक आप तक आ जाएगा ताकि आप लोग अपने सवाल जो हैं वो कर लें। एक साथ में चार पांच सवाल ले लूँगी, फिर उनके जवाब जो है वो हम ले लेंगे। अख्तर भाई, मैं आपकी तरफ दोबारा से आना चाहूँगी। बहुत सारे ड्रामे जो हैं, हम हमेशा से कहते हैं कि ये जो सॉफ्टर इमेज है पाकिस्तान का, एक पढ़ा लिखा अच्छा इमेज है, ये कल्चर के थ्रू हम बाहर प्रेजेंट कर सकते हैं। फिल्म ऑफकोर्स बहुत बड़ा ज़रिया है पूरी दुनिया में अपने मुल्क का इमेज क्रिएट करने के लिए, और ऑफ़ कोर्स टीवी भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है, हमारे ड्रामे बहुत देखे जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि पूरी दुनिया इतनी खुल गई है कि बहुत सारी ज़बानों में हमें देखा और समझा जा सकता है, हमने टर्किश ड्रामे बहुत से देखे, इंडिया में हमारे ड्रामे बहुत देखे जाते हैं, क्या मुख्तलिफ़ ज़बानों में, क्योंकि आपका ताल्लुक टीवी से है और आप ड्रामों पर भी बहुत काम करते हैं, तो क्या मुख्तलिफ़ ज़बानों में हमारे ड्रामों की डब कह लें या ट्रांसलेटेड वर्जन जो हैं वो जाना शुरू हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो कौन सी ज़बानों में हो रहे हैं, हम कहाँ तक अपनी इस ड्रामा इंडस्ट्री की पहुँच ले जा सकते हैं? अगर टेक्निकल बातों में चला गया तो, अगर मैंने तकनीकी बातें आपके जवाब में दी तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं शायद उनकी दिलचस्पी की ना हो। पहली बात तो मैं बता दूं कि जो रीजनल अदब है, मैं वैसे तो उर्दू स्पीकिंग हूँ लेकिन रीजनल अदब जो है उससे मेरा ये ताल्लुक़ है कि मेरे वाले प्रोफेसर थे और पढ़ाया करते थे, और उन्होंने हमें ये सिखाया था कि हर ज़बान का अदब जो है वो आप उसको ओन करें। तो हम, मेरे सिंध के दोस्त, पंजाब के दोस्त, बलूचिस्तान और सरहद के दोस्त बहुत सारे, कभी कभी दफ्तर में हो जाता है कि ये सिंध के हवाले से बात करता था, कोई पंजाब के हवाले से। मैं जब पाकिस्तान टेलीविज़न का मुझे मौका मिला, अल्लाह ताला ने दिया, प्रोड्यूसर के तौर पे मैंने मुलाजमत शुरू की थी और एमडी के तौर पे रिटायर हुआ, प्रमोशन होती रही। मैंने एमडी के तौर पे जो पहला काम किया था वो ये था कि रीजनल ज़बानों का चैनल नेशनल टीवी शुरू किया था। मैंने कहा कि जो पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और दूसरी जगह के लोग हैं जो मुझसे पहले रह चुके थे, उन्होंने नहीं किया, मैं ये काम कर देता हूँ। तो मैंने उस हिसाब में प्रमोट करने की पूरी कोशिश की। अब इससे हटके मैं, लोगों की दिलचस्पी की ज़्यादा चीज़ें होंगी कि हमारा जो प्रोफेशन है उसमें मौके को अवेल करना जो है उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, कि आप मौके सबको मिलते हैं, आप उसको अवेल कर लें और उसको कैसे आप इस्तेमाल करते हैं उस पर वो होता है। तो मैं लोगों की दिलचस्पी की चीज़ होगी वो आपको बता देता हूँ उस हिसाब से। मैं लाहौर में पहले तो मोहम्मद अली साहब के हवाले से मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने बात की, हमारे बड़े सीनियर थे, और हैदराबाद से मेरी लाहौर में पोस्टिंग थी, मैं वहाँ प्रोग्राम डिपार्टमेंट का हेड था, और मैक्लो रोड के करीब है टीवी सेंटर, जैसे सब जानते हैं, मैं प्रोग्राम का हेड था और बड़ी लंबी ड्यूटी होती थी, रात के खबरनामे तक बैठना पड़ता था। तो हैदराबाद से जितने भी लोग जाते थे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने या रेडियो में काम करने, वो सारे मोहम्मद अली साहब से मुतासर हुआ करते थे, चाहे वो शफ़ी मोहम्मद हों, चाहे सलीम नासिर हों, और ये सब जब मोहम्मद अली साहब की फ़िल्म कोई रिलीज़ होती थी तो इकट्ठा मिल के जाते थे।
और फिल्म देख के आके मेरे कमरे में, क्योंकि करीब था, कहते चाय तुम्हारे पास पिएंगे, आ जाते थे। एक दफ़ा ये पूरा हैदराबाद वाला ग्रुप मेरे कमरे में आया तो मैंने कहा कैसी फिल्म थी? तो हमारे एक दोस्त थे अतीकुल्ला शेख, बड़ी अच्छी हिस्से मज़ा रखते थे। उन्होंने कहा फिल्म तो अच्छी थी लेकिन मोहम्मद अली ने बहुत मायूस किया। क्या मोहम्मद अली ने क्यों मायूस किया? कह रहे आधी फिल्म में शफी मोहम्मद की तरह बोल रहा था, आधी में सलीम नासिर की तरह बोल रहा था। तो वो लोग इन्जॉय करते थे उन चीज़ों को। अच्छा, मौके की बात मैं ये कर रहा था कि जैसा मैंने कहा मैकलोड रोड के करीब मेरा दफ्तर था। उस्ताद फतेह अली खान साहब, जो अमानत अली खान साहब के छोटे भाई थे, ये कभी कभी अमानत अली खान साहब को सुबह सुबह मेरे दफ्तर में ले आया करते थे। वो कहते थे सारी रात ये ड्रिंक करते रहें और हमारे कहने से रुक नहीं रहे, लेकिन सैयदों के सामने शराब नहीं पीते, इसलिए आपके पास ले आए, जितनी देर आपके पास बैठेंगे कम से कम नशा नहीं करते। तो मैं उस मौके का फ़ायदा उठाता था, वो दिन भर मेरे पास बैठते थे और शाम तक नशा ख़त्म हो जाता था। तो मैं राजी करता था खान साहब मेरे लिए कोई एक आध गज़ल गा दें। ये क्लासिकल सिंगर जितने होते हैं ये गज़ल को कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझते, छोटा काम समझते हैं, राजी नहीं होते थे। खान साहब ने उससे पहले गज़ल ही नहीं गाई। एक दिन नशा करके आए और यही कुछ हुआ, तो मैंने खान साहब को राजी कर लिया कि शाम को मेरी ये गज़ल गा दें। तो उन्होंने गाई इंशा जी उठो कुछ करो। अगली दफ़ा फिर जब नशा किया और मेरे पास आए तो मैंने रिकॉर्डिंग की, फोटों पर कभी उनके मेरा नाम ही आया। तीसरी दफ़ा जब नशा किया तो मौसम गदरा रूद गदराई उन्होंने गाई, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि हमेशा नशे ही रहें ताकि मुझे मिलते रहे। खैर, वो मैंने अमानत अली खान साहब की जब चीज़ें रिकॉर्ड की तो मेरा नाम हो गया म्यूज़िक के हवाले से थोड़ा सा, हालांकि मेरा कोई फील्ड नहीं था म्यूज़िक। तो मुझे एक कराची में मेरे सीनियर थे शायर अतहर नफीस साहब, उन्होंने एक अपनी गज़ल भेजी और मेरी बड़ी मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी गज़ल फरीदा खानम साहिबा से गवा दो। मैंने वो गज़ल दी कंपोज़र को और साथ फरीदा खानम को दी। फरीदा खानम ने पढ़ के कहा कि ये गज़ल मैं नहीं गा सकती क्योंकि बड़ी मायूसी है इसमें। मैंने अपना एक फार्मूला होता था, मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर अच्छी नहीं होगी तो छोड़ देंगे। हमने रिकॉर्डिंग कर ली, जैसे रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे आके गले लगा लिया। वो गज़ल थी वो इश्क जो हमसे रूठ गया, फरीदा खानम की। अच्छा, वो मैंने कहा वो मौका की मौका ज़्यादा। जब मेरे वो रिकॉर्ड की तो उनकी और अपना इकबाल बानो दोस्ती भी बहुत थी, और वो अपना उनको पता चला तो उन्होंने एक ख्वाहिश की कि मेरी भी रिकॉर्डिंग कर लो। उनका बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, वो अपने साथ इंडिया की एक फिल्म का लेके आती थी डिस्क, जिस पे मीना कुमारी की तस्वीर होती थी। की ख्वाहिश होती थी कि जब मैं गाऊं तो मुझे मीना कुमारी की तरह दिखाना। तो खैर, मैंने उनकी वो खैर मैंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं। नहीं, मैं इस गुफ्तगू में ज्यादा दिलचस्पी रखूंगी जो भी आप चुपके चुपके जो है अकील भाई से बात कर रहे थे। तो मैं उनको मैं उनको मीना कुमारी तो नहीं बना सकता था, लेकिन मैंने उनके साथ रिकॉर्डिंग की। मौके का फ़ायदा उठाते हुए दागे दिल हमको याद आने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे। तो इस तरह के मौके मिलते थे। अच्छा, वो सिर्फ हम पे नहीं था जो ज़रा सीनियर थे, उस मौके का फ़ायदा जूनियर भी उठाते थे जिसको मौका मिल जाए। अब इसी तरह इसी सिलसिले में यह था कि मेहदी हसन साहब ने जब ये चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा मेरी भी एक गज़ल रिकॉर्ड करो। मैंने कहा आपके साथ गज़ल तो सभी रिकॉर्ड करते हैं, मैं कोई आपके साथ कुछ और चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा। मैंने उनके साथ नगमा रिकॉर्ड किया है, ये वतन तुम्हारा है उनको पास बांस के, जो कि ज़ाहिर अब कौमी नगमे की तरह ही हो गया है, हर जगह पे वो बजता है। जैसे हट के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ का जूनियर तरीन आदमी भी जो होता था वो इसी तरह काम करता था और इंटरेस्ट लेता था। एक हमारे सदर थे, उनकी ख्वाहिश होती थी कि उनकी हर तकरीर के बाद कोई नई चीज़ म्यूज़िक की चले, कभी नगमा कभी कुछ। एक दफ़ा उन्होंने फरमाइश की कि कलाम इकबाल कोई नई रिकॉर्डिंग चलाओ। मेरे दिन में काम लगा तो मैंने अपने चपरासी थे थोड़े से पढ़े लिखे थे उनको कहा कि लाहौर में ही था मैं, शानूर स्टूडियो चले जाओ, अखलाक अहमद की वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है उनको ले आओ। तो अखलाक अहमद साहब जो थे लेने ये गए और मोबाइल का ज़माना नहीं था, कोई डेढ़ दो घंटे बाद वापस आए और उन्होंने कहा कि अखलाक अहमद तो नहीं मिले।
मैं तो चुप रहा, लेकिन मेरे जो कंपोजर थे ज़रा गुस्से वाले थे, उन्होंने कहा 2 घंटे बाद वक्त लाया करके हमें आके बता रहे हो अखलाक हमें नहीं मिले। तो उन्होंने कहा मुझे पता था कि कलाम इकबाल रिकॉर्ड होना है, तो मैं शौकत अली को ले आया। शौकत अली ने गाया खुदी का सिर न लाए लाए, और वो चपरासी की सिलेक्शन थी, मेरी नहीं थी। तो मैं कह रहा हूँ वहाँ के अंदर के लोगों की दिलचस्पी यहाँ तक होती, बाकी अब बिल्कुल बिल्कुल सही। मुझे लग रहा है कि अकील भाई जो हैं वो बहुत ज़ोर से कुछ कहना चाह रहे थे। मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद आप कोई सवाल करेंगी। नहीं, मैं बिल्कुल ये पूछना चाहूँगी आपसे अगर मौका है तो, कि आपने जब PhD फिल्म में किया, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ जो कि फिल्म या मुख्तलिफ फिल्मों के या TV ड्रामों के शोबात में PhDs कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं? हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रही हैं? देखिए 3-4 तो मेरे इल्म में पहले के भी हैं, लेकिन वो फिल्म के मुख्तलिफ पहलुओं पर हुए हैं, यानी फिल्मी नगमा नगारी पर जैसे हुआ, या एक रियाज शाहिद पर MPhil का थीसिस हुआ लाहौर से, तो वो इस तरह से 3-4 थीसिस पहले हो चुके हैं, लेकिन वो किसी एक ख़ास पहलू पर हुए हैं। ये जो मेरा थीसिस था ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख पर था, और पहले ये तय हुआ था कि पूरी फिल्म हर ज़बान की फिल्म इसमें शामिल होगी, लेकिन फिर जब वो काम बढ़ना शुरू हुआ तो वो हमारे सुपरवाइज़र जो थे उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, इसको थोड़ा सा कन्फाइन करो, महदूद करो, वरना फंस जाओगे तुम, और तुमको ज़ाहिर है जो दस्तरस उर्दू फिल्मों पर है वो पश्तो फिल्मों पर या पंजाब। अच्छा, फिर एक पहलू ये भी आया कि उसमें फिर बंगला फिल्म भी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि 71 तक पाकिस्तान का हिस्सा था वो, तो वो फिर हमने उसको महदूद किया और हमने उर्दू फिल्म इंडस्ट्री पर काम किया। लेकिन उसके बावजूद मैंने जो 1896 से शुरू किया, तो 1896 में जब पहली फिल्म बरसगीर में दिखाई गई है कलकत्ता में एक होटल में पर्दा डालकर, और 8 आने उसका टिकट होता था उस ज़माने में, तो वहाँ से शुरू की मैंने हिस्ट्री। फिर 1913 दादा साहब फालके खामोश फिल्मों का दौर, फिर 1931 आला मारा, फिर 1932 में लाहौर में पहली बोलती फिल्म बनी हीर रांझा, और फिर लाहौर में ही पंजाबी फिल्मों का भी एक दौर था, यानी पार्टीशन से पहले की बात है। तो ये एक 5 चैप्टर्स जो हैं वो मेरे तकसीम से पहले के हैं, और उसके बाद फिर एक चैप्टर है कि तकसीम के वक्त लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल थी, और फिर उसके बाद अब 2021 तक वो सिलसिला हमने मुकम्मल किया। तो वो किताब छप भी गई है, हमारी यहाँ मौजूद भी है, इसी आर्ट्स काउंसिल की जो किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो एक अल्लाह का शुक्र है कि बहुत एक काम हो गया, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस नौयत का कोई काम हुआ है जो रिसर्च बेस्ड है, वरना फिल्म पर किताबें तो बेशुमार हैं, 100-150 किताबें तो मेरे ही पास होंगी, लेकिन वो एक तो ये कि माजरत के साथ बहुत, यानी वो नकल दर नकल कह लें आप उसे, एक आदमी ने तेरी याद के बारे में जो बात लिख दी वही बात दूसरा आदमी लिख रहा है, वही तीसरा लिख रहा है। मैंने तो उस ज़माने के अखबारात में जाके और उनके रिव्यूज़ पढ़े, उनकी फिल्मों पर क्या आए, और वो भी शामिल किए हैं इसके अंदर, तो वो बहुत मेहनत हुई इस पर। और यकीनन जो रिसर्च बेस्ड काम, और ये कोरोना के ज़माने में मुझे COVID-19 जो था तो उस ज़माने में मुझे कुछ थोड़ी सी मोहलत मिल गई काम करने की, तो ये मुकम्मल हो गया और फिर जमा हो गया, तो वरना ये कि शायद ये अधूरा ही रहता काम, क्योंकि वक्त नहीं मिल पा रहा था इससे पहले। और ये बहुत ही इसमें फिल्मोग्राफी भी है पूरी 150 साल की, 125 साल की, तो इस तरह से ये काम हुआ, और ये बहुत ही, यानी आप देखें किताब मेरी तो बहुत ही आपको यकीनन पसंद आएगी। तो ये इंडिया में तो बहुत फिल्मों के, इंडिया में तकरीबन 1000 किताबें छपी होंगी फिल्म की तारीख पर और फिल्म हिस्ट्री पर, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ी है। संजीदा काम एक मुश्ताक अजहर ने किया था, या एक 1969 में ढाका से एक फिल्म किताब छपी थी सिनेमा इन पाकिस्तान, या फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी किस्मत में लिखा था ये काम, बाकी सब ऐसे ही सरसरी से मतलब काम हैं, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ काम उनमें बहुत अच्छे भी हुए हैं। फैयाज अहमद अशर का जो काम है वो बहुत अच्छा काम है, बहुत यानी काबिल तकलीद काम है, तो सारे काम नहीं हुए हैं ऐसे, लेकिन ये कि बहुत उसमें उतनी यानी दिक्कत नज़री जिसे हम कहते हैं ना एक लफ्ज़, उससे काम नहीं लिया गया, और नकल दर नकल और बस यही होता रहा। ठीक है, अच्छा हाशिम नदीम साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगी, एक मुख्तसर सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपने ड्रामे लिखे, कोई फिल्म विल्म लिखने का इरादा है या लिख रहे हैं? जी फिल्म मैंने लिखी एक फिल्म, और वो
प्रोड्यूस भी हुई, डायरेक्ट भी की हमने, पाकिस्तान में बैन हो गई वो फिल्म. वो जो खरोटाबाद इंसिडेंट था, अब्दुल्ला नाम से एक फिल्म आई और जो उसमें चेचेंस को क्वेटा में मारा गया था, उस पे बेस्ड थी फीचर फिल्म वो. फिर कांस फिल्म फेस्टिवल में उसकी रिलीज हुई और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसे दिखाया गया, लेकिन पाकिस्तान में वो फिल्म नहीं चलाने दी गई. वो किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जहाँ पे वो नेटफ्लिक्स पे रही 3 साल, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे होगी या शायद उतर चुकी हो, नेटफ्लिक्स पे रही. ठीक है मुनव्वर भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी. और जो अकील भाई ने सवाल किया था कि जब एक ज़माना था, आई थिंक हमारे बहुत से नौजवान शायद ये बात नहीं जानते कि जो हम ड्रामे देखते हैं वो भी लाइव टेलीकास्ट हुआ करते थे एक ज़माने में, तो वो मुनव्वर भाई ने उस लाइव टेलीकास्ट ड्रामों में काम किया है. तो अकील भाई ने ये सवाल किया था जो कि रह गया उस वक्त, कि कोई उस वक्त की कोई ब्लंडर हुआ हो या ऑन एयर जाते में लाइव क्योंकि था कुछ गलती हो गई और फिर उसको संभाला गया हो, तो वो कोई दिलचस्प वाक्य की तरफ इशारा कर रहे थे कोई अगर आपको, और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको वो वाक्य याद आ गया है शायद. उस जमाने में जब लाइव ट्रांसमिशन होती थी यानी जिंदा, तो एक साहब ज़रूर ऐसे होते थे कि जो कोई पलंग के नीचे या सोफे के पीछे छुप के लेट जाते थे स्क्रिप्ट लेके, और वो जहाँ देखते थे कि ये आदमी कहीं से भूल रहा है या गलत बोल रहा है तो वो आहिस्ता से प्रॉम्प्ट करते थे, वो प्रॉम्प्टर कहलाते थे. तो इस सिलसिले में एक ड्रामा हो रहा था जिसमें प्रॉम्प्टिंग के फ़राइज अदा कर रहे थे, अदाकारी होते थे वो जो ये फ़राइज़ अदा करते थे, वो कर रहे थे हमारे तारिक अजीज़ साहब. तारिक अजीज़ की आवाज़ आपको पता ही है कि कमाल आवाज़ थी, वो कर रहे थे प्रॉम्प्टिंग. तो एक अदाकार ने कुछ बोला जुमला, वो गलत था, तो उन्होंने आहिस्ता से कहा कि ऐसे नहीं है, ऐसे है ऐसे. उसने नहीं सुना, उसने वैसे ही गलत गलत बोलता चला गया. इन्होंने फिर कोशिश की, ज़रा सा ऊंचा, फिर ज़रा सा ऊंचा, आखिर तक आके वो खड़े हो गए पीछे से, सोफे के पीछे से खड़े हो गए. खड़े हो कहने लगे, अबे कितनी देर से चीख चीख के कह रहा हूँ गलत बोल रहा है, ठीक बोल, ये कह के फिर लेट गए. और ये सब लाइव जा रहा था, ये सब लाइव जा रहा है और होता था लाइव में, ये चल जाता था और देखने वाले जो थे वो भी जानते थे कि भाई ये आदमी सही करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये नहीं सही कर रहा तो इसको डांटना भी उसका फ़र्ज है. वो डांट दिया उन्होंने. तो इस किस्म के वाकयात बहुत से हो जाते थे और कोई मसला नहीं था ऐसा. मसलन ये कि एक थिएटर हम कर रहे थे मिर्ज़ा ग़ालिब बंदर रोड पर, लाहौर में किया था हमने जाके. वो थिएटर जो कर रहे थे उसमें मेरा एक कैरेक्टर था जो बहुत ऊंचा ऊंचा बोलता था, उसका नाम था टीपू, यानी वो अपने आप को टीपू सुल्तान कहता था और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के बोलता था. तो मैं रात को जब ख़त्म हो जाता था ड्रामा तो हम बैठ जाते थे ताश वाश खेलने और देर तक जागते थे. तो ख्वाजा साहब मरहूम जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन, वो डांटते रहते थे, अरे सो जाओ सो जाओ, अरे सो जाओ. कोई सोता ही नहीं था, हल्की सी लाइट जला ली और ताश खेल रहे. मैं, महमूद भाई, सुभानी भाई यूनुस, काजी वाजिद वगैरह वगैरह वगैरह, हम खेलते रहते थे. अच्छा, अब जो ड्रामा शुरू हुआ दूसरे दिन, तो मैंने जो उसमें बोलना शुरू किया, अब मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ बैठ रही है, चीख के कोशिश कर रहा हूं आवाज बैठ रही है. तो मुझे साइड से एक आवाज आई, अबे ऊंचा कैसे बोलेंगे, ये ख्वाजा साहब की आवाज थी, अबे ऊंचा कैसे बोलेंगे, हैं सारी रात तो जुआ खेलते कैसे खेले ऊंचा बोलेंगे. वो मुझे आ गई आवाज, मैंने कोशिश करी, ऊंचा बोला,
ख़त्म हुआ तो मैंने उनसे बहुत माफ़ी मांगी, मैंने कहा अब नहीं ऐसा होगा, मुझसे गलती हो गई। तो इस किस्म की बातें साइड से होती रहती थी और सुनते रहते थे हम। और मेरे ख्याल से यही लाइफ की खूबसूरती होती है, और आप लोगों के साथ बैठ के जो गुफ्तगू होती है, जो हम अंदर भी बैठे बात कर रहे थे, तो दिल नहीं चाहता कि हम अपनी गुफ्तगू का अख्तिताम करें, लेकिन जाहिर सी बात है प्रोग्राम है और पीछे से कॉल्स भी आ रही हैं कि अब वक्त का अख्तिताम हुआ। पाकिस्तान टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि अब हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वो सब हमारे दिलों में हैं, उनका काम हमारे सामने है, और वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारी यादों में रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हमारे हाज़रीन हैं, जो आप लोग हैं, हम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच।